हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी वीकली मेंटेनेंस करने वाली हूँ, अपनी मेंटेनेंस रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं मोस्टली फ्राइडे वाले दिन करती हूँ। तो आज फ्राइडे का दिन था, तो मैंने सोचा जो सारे वीक की मेरी मेंटेनेंस रूटीन है, ब्यूटी रूटीन है, स्किन केयर या हेयर केयर, तो वो मैं आज करने लगी हूँ। और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा दूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर मैं सुबह पहले उठी, सबसे पहले मैंने जो है ना अपने हेयर्स पर ऑयलिंग की। तो जो है ना ऑयलिंग करने के लिए मैं ऑलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। मेरे पास मुंडियाल का ऑलमंड ऑयल है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। आप लोग जो है ना प्योर वाला ऑलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलमंड ऑयल हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ऑलमंड ऑयल का यूज़ करती हूँ, और वीक में एक दफ़ा जो है ना लाजमी ऑयलिंग करनी चाहिए। आप लोग भी वीक में लाजमी एक दफ़ा जो है ना ऑयलिंग किया करें, भले आप लोग जिस दिन भी फ्री हो, आप लोग संडे का दिन रख लें, फ्राइडे का दिन रख लें, जो भी जो डे है ना आप लोगों के लिए इजी हो, आप लोग उस दिन लाजमी अपनी केयर करें, अपनी ब्यूटी करें, क्योंकि जो है ना स्किन केयर हेयर केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो एक दिन अपने लिए लाजमी रखा करें, भले आप लोग ऑफिस गोइंग वर्किंग लेडीज़ हैं, मगर आप लोग लाजमी अपनी केयर किया करें। इसी के साथ जो है ना बंदा नीट एंड क्लीन रहता है, फ्रेश रहता है, अदरवाइज़ जो है ना बहुत जल्दी जो है उसके एजिंग के साइंस आने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर ली थी, मैं अच्छी तरह से अपने हेयर्स को ना ब्रश कर रही थी ताकि जो मेरे हेयर्स में अटके वगैरह हैं वो सारे निकल जाएं। तो अच्छा, आप लोग ऑयलिंग करने के बाद जो है ना हेयर वगैरह कॉम करके अपने हेयर्स की चुटकियाँ कर लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसके साथ जो है ना हेयर्स अच्छे रहते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने जो है ना जल्दी से कैचर लगा लिया था। तो ऑयलिंग वगैरह करने के बाद अच्छी तरह से मैंने अपने हेयर्स को टाई अप कर लिया था। तो अब जो है ना मैं अपने हेयर्स को छोड़ दूँगी, तो फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स उसके बाद जो है ना मैं अपने हेयर्स को वॉश करूँगी। और ये वाला ड्रेस था जो मैं आज पहन रही थी, फ्राइडे के दिन जुमे के दिन आप लोगों को कोई जो है ना अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, सवाब का काम है। तो उसके बाद जो है ना मैं अपने जो है अपने हेयर्स वगैरह को, बॉडी के, लेग्स के, हैंड्स के, इन सब हेयर्स को रिमूव करने के लिए जो है ना यहाँ पर ये रिवाज यूके का रेज़र यूज़ कर रही हूँ। ये एक तो बहुत क्विक है, वैक्सिंग अगर आप लोग करें तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बट अगर आप लोग वर्किंग लेडीज़ हैं या हाउसवाइफ्स हैं तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग कोई चीज़ क्विक ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग रेज़र्स का यूज़ करें। और ये जो है ना रिवाज के रेज़र्स, ये जो है मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब भी आप लोग रेज़र यूज़ करें सबसे पहले जो है ना आप लोग एलोवेरा या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, या एलोवेरा जेल यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप लोग ड्राई हैंड्स पे या ड्राई लेग्स पे कभी भी जो है ना आप लोग शेव मत कीजिएगा। इसके साथ जो है ना आपके कट्स आ सकते हैं, तो आपकी जो स्किन है ना वो ख़राब हो सकती है। तो लाजमी पहले आप लोग एलोवेरा जेल यूज़ कर लें या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल स्निल की यूज़ की थी। देन ये देखें, पहले आप लोगों ने सिमिलर डायरेक्शन में करना है, फिर आप लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में हेयर्स को रिमूव करना है। इससे हेयर्स बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो गए थे, स्किन भी बहुत सॉफ्ट हो गई थी, और ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे। आई थिंक ये मुझे 500 या 600 में मुझे इजीली मिल गए थे। तो ये बहुत अच्छे हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप लोग कोई अच्छे रेजर्स की तलाश में हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो क्विक हो और आप लोग जल्दी से जो है ना यूज़ कर लें, तो आप लोग लाजमी इन रेजर्स को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने हैंड्स के सारे हेयर्स, अनवांटेड हेयर्स रिमूव कर लिए थे। ये देखें, मेरे हैंड बहुत नीट एंड क्लीन हो गए थे। देन मैंने लेग्स के हेयर्स भी इसी रेज़र के साथ ही यूज़ जो थे ना इसी रेज़र के साथ ही मैंने अपने लेग्स के हेयर्स भी रिमूव किए थे। देन फेस के हेयर्स के लिए मैं टिंकल रेज़र यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो गाइस, फेस के लिए भी आप लोग सबसे पहले एलोवेरा जेल यूज़ करें, अपने सारे फेस को मॉइस्चराइज़ करें अच्छी तरीके से। देन जो है ना मैं यहाँ पर टिंकल रेज़र यूज़ कर रही थी। आप लोग इसके साथ अपने अपर लिप्स के हेयर्स भी रिमूव कर सकते हैं, अपने फेस के हेयर्स भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो था ना, मैंने ये मेरे पास प्लकर है, प्लकर के साथ जो है ना मैं वीक में एक दफ़ा अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको फ्रेश कर लेती हूँ, जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं या जिन हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है, जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको निकाल लेती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये छोटा सा यहाँ पर एक मिरर है, जिसमें एक तरफ से जूम इन नज़र आता है और एक तरफ से थोड़ा दूर से नज़र आता है। तो इस तरह के मिरर आप लोग भी अपने पास रखें। उसके साथ जो है ना मैं प्लकर को लेके अपने जो है आईब्रोज़ को भी घर पे ही खुद ही नीट कर लेती हूँ वीक में एक दफ़ा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। देन जो है ना वीक में एक दफ़ा क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक या दो दफ़ा आप लोग लाजमी क्लिनजिंग किया करें। तो मैं यहाँ पर ये डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ। इसका डिटेल जो है ना रिव्यू मेरे चैनल पर है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में 700 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया था,
और ये बहुत अच्छा है। तो सारी ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तब भी बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ पर मैंने इसी क्लिंजर के साथ थोड़ी देर के लिए क्लिंजिंग की थी, तकरीबन 5 मिनट के लिए क्लिंजिंग की थी फेस की भी, और मैंने हैंड्स की भी क्लिंजिंग की थी। तो आप लोग भी लाजमी इस क्लिंजर को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो ये देखें यहाँ पर ऐसे मैंने सारी क्लिंजिंग कर ली थी अपने हाथों की, अपने फेस की। देन मैंने यहाँ पर जो है ना, मैं ये स्टाइप्स का एप्रिकॉट ये वाला स्क्रब यूज़ करती थी, वो फिनिश हो गया, तो अब मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है फ्रेश स्किन के लिए। तो ये भी एप्रिकॉट फ्लेवर में ही है, ये भी बहुत अच्छा है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अमाउंट में अब स्क्रब लिया है, तो मैं थोड़ी देर जो है ना स्क्रबिंग कर लूँगी। अगर आपकी स्किन को स्क्रब सूट करता है तो ही करें, तो मेरी स्किन को जो है ना स्क्रब इतना ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो मैं वीक में जो है ना एक दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ बस। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, तो आप भी जो है ना थोड़ा वीक में इसको एक दफ़ा यूज़ कर लें, तो ज़्यादा यूज़ ना करें। तो इसी स्क्रब के साथ ही मैंने जो है ना अपने हैंड्स वगैरह के भी वो जो है स्क्रबिंग कर ली थी। तो ये आपकी डेड स्किन सेल्स को, डेड स्किन लेयर को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है। तो लाजमी वीक में एक दफ़ा जो है स्क्रबिंग किया करें, और एक दो दफ़ा आप लोग क्लिंजिंग किया करें। देन मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। तो इंसान जब भी अपने आप को पैम्पर करता है, या फिर इंसान जब भी अपनी केयर वगैरह करता है, तो इंसान को बहुत सुकून मिलता है। होप सो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, मगर मेरे साथ तो बहुत जो है ना ये चीज़ होती है कि मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील करती हूँ और सुकून में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शावर वगैरह ले लिया था। आफ्टर शावर जो है ना, मैं कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लती हूँ, या फिर आप लोग एलोवेरा जेल यूज़ कर लें फेस के लिए, वो भी आपके फेस को हाइड्रेशन देती है, आपकी फेस को स्मूथ बनाती है, बहुत अच्छी है। तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने हाथों पाँव को पैम्पर करने के लिए यहाँ पर निविया का ये लोशन ले रही हूँ, और साथ में वेजलिन है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपने हाथों को भी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, और अपने पाँव को भी। तो लाजमी अपने हाथों को और पाँव को मॉइस्चराइज़ किया करें, क्योंकि जो स्किन होती है ना, स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र कुदरती तौर पे मौजूद होता है। जब वो मॉइस्चर जो होता है डिस्टर्ब होने लग पड़े, तो आपके स्किन के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों को पैम्पर कर लिया, मॉइस्चराइज़ कर लिया। अब मैं अपने पाँव को और जो है ना लेग्स वगैरह को भी इसी लोशन के साथ ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। ये बहुत अच्छा है निविया का ये वाला लोशन, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये इसका जो है ना मुझे टेक्सचर भी बहुत पसंद है, और वैसे भी ये बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने अगर ट्राई किया तो आप लोग भी बताएं आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इसके साथ। देन जो है ना, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, मैं पेट्रोलियम जेली ये जो वेजलिन है ना, अपनी ये एड़ियों के नीचे लाजमी लगाती हूँ, मुझे इसके साथ बहुत सुकून मिलता है। तो आप लोग भी ये लाजमी किया करें। अगर आपकी जो नीज़ है ना, अगर क्रैक्ड हैं, फटी हुई हैं अगर आपकी एड़ियाँ, तो आप लोग फिर तो लाजमी आप लोग पेट्रोलियम जेली अपनी ये जो है हील्स वगैरह के नीचे लगाया करें। इसके साथ हील्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये थी मेरी रूटीन। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे हेयर्स भी ड्राई हो गए थे ऑलमोस्ट, मैंने टॉवल को उतार दिया था। अच्छा, जो मैं एक काम करती हूँ ना, लाजमी लोग कहते हैं कि वेट हेयर्स को कॉम नहीं करना चाहिए, बट मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को लाजमी एक दफ़ा वेट हेयर्स के ऊपर भी कॉम कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आपके बाल सूखते हैं ना, तो फिर आपके बाल इतने ज़्यादा उतरते नहीं हैं। अगर आप लोग वेट हेयर्स के ऊपर कॉम नहीं करते ना, तो फिर जब ड्राई होने के टाइम पर आपके हेयर्स में बहुत ज़्यादा अटकें पड़ जाती हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर्स भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो एक दफ़ा वेट हेयर्स के ऊपर भी लाजमी, मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, मेरे हेयर्स इसके साथ सही रहते हैं, कोई टूटते नहीं हैं, ठीक रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।